भाई ये क्या कर रही है, ये फिल्म क्या कर रही है? भाई भाई को रोको यार, इसको अन्ना पागल हो गया, अन्ना पागल हो गया भाई, अन्ना पागल हो गया है। ओवरसीज के अंदर KGF एंड RRR जैसे 10 times बिगर फिल्म के जो टोटल डे वन की कलेक्शंस कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर है, वो डे वन का जो टोटल कलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग के अंदर तोड़ दिया, एडवांस बुकिंग के अंदर एक दिन का तोड़ दिया। इंडिया ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस का मेरे को मतलब अभी भी कोई आइडिया नहीं है, 60-40 चांस है, 60 मतलब 60-70% चांस ये है कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना देंगे, 30-35% 40% 35% लाइक ऐसा चांस है कि कुछ लफड़ा भी हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी भी इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन ये ओवरसीज के अंदर क्या कर रहा है, ये फिल्म क्या कर रहा है? जर्मनी, बर्लिन एंड एक और कंट्री थी शायद UAE की कुछ स्टेट्स आई गेस, मेरे को याद नहीं है अच्छे से, बट टोटल जर्मनी एंड बर्लिन तो श्योर शॉट कन्फर्म्ड एंड अमेरिका के भी कुछ सारे, बहुत सारे USA के भी कुछ स्लॉट्स ओपन हुए जहाँ पर KGF एंड RRR का जो टोटल डे वन का कलेक्शंस था वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग के अंदर तोड़ दिया पठान ने। ऑल टोटल एडवांस कुछ जगह पे मेरे को लग रहा है कि 4 लाख टिकट टोटल ऑल ओवर टिकट्स सेल्ड हो चुके हैं वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब टेरिटरीज की बात कर रहा हूँ तो ये इन टेरिटरीज के अंदर ही जो टोटल डे वन कलेक्शन है इंडिया के बिगेस्ट, मैं सिर्फ KGF एंड RRR की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन ब्रह्मास्त्र ने भी जो मतलब सेंटर्स ओपन किए थे वहाँ पर, उन सेंटर्स के अंदर भी ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग मतलब डे वन का कलेक्शन सब टोटल काउंट आउट नहीं हुआ है, ये सिर्फ एडवांस बुकिंग, जो बुकिंग के नंबर्स जो चालू हुए हैं वो बुकिंग के नंबर्स के हिसाब से उनका डे वन कलेक्शन ऑलरेडी टूट चुके हैं उन मतलब सिटीज के अंदर। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, 4 साल हो गए भाई, यही तो होता है, मतलब लोग बोलते रह जाते हैं, लोग दुख दर्द पीड़ा देते रह जाते हैं, लेकिन इंसान को अगर जीतना है तो वो जीत के ही रहता है भाई, वो जीत के ही रहता है। दुनिया ऐसी है मतलब यूज़ करती है, फेंकती है, चाकू छुरा सब गोपती है, लेकिन एक चैम्पियन क्या होता है पता है, एक चैम्पियन को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चैम्पियन जीतता है और पूरी दुनिया की मतलब उन लोगों की जो उनके खिलाफ थे, जो नफरत जिनसे वो करते हैं उनकी मतलब बुंड फाड़ देता है, बुंड फाड़ देता है। तो ये मतलब ये इमोशंस अंदर से मेरे अंदर से निकल के आ रहे हैं क्योंकि वो मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन दैट्स द पॉइंट। बुक माई शो 17-18 तारीख को फुल फ्लेज ऑल ओवर इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग चालू कर देगी। साउथ सेंटर्स का मेरे को नहीं पता क्योंकि टीम ने 4 दिन पहले बोला था कि 21 तारीख को चेन्नई पे मतलब फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग चालू कर रहे हैं, मेरे को साउथ सेंटर्स का नहीं पता, लेकिन ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ सिटीज़ के अंदर जितने भी है सब जगह पे फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग 17 और 18 को चालू होने वाले। तो हाँ, कौन था वो येड़ा पता नहीं, येड़ा लोग बड़ा बड़े बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 15 तारीख तू चैनल बंद कर दे 15 तारीख को एडवांस बुकिंग, कहाँ गया रे एडवांस बुकिंग? मामू तू जहाँ से न्यूज़ लेके आता है ना, वो न्यूज़ सेंटर्स वाले मेरे जो घर के ट्यूशन के बच्चे हैं उनसे होमवर्क लेकर जाते, तो मामू चुप रहने का, मामू चपरी चुप रहने का, इनको यही दिक्कत है, मैं बोल रहा हूँ ना, इनको दिक्कत सिर्फ यही है कि ये लोग इतने ग्रुप मिलके भी प्रोबेबिलिटी नहीं कर मतलब करेक्ट न्यूज़ नहीं ला पाते, जो अकेला एक वन मैन आर्मी काम खलास। तो KGF, RRR, ब्रह्मास्त्र की जो डे वन कलेक्शंस है वो जर्मनी में, बर्लिन में, ब्रिटेन में एंड नॉर्थ अमेरिका एक गेस अमेरिका ही था शायद, मेरे को यूएई था कि अमेरिका था, कुछ सेंटर्स के नाम थे वो लिस्ट के अंदर जिसपे कि फर्स्ट डे के जितने भी नंबर्स इन फिल्म्स ने बनाए जो हाईएस्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग नहीं पठान ने तोड़ दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, खत्म ओवरसीज में खत्म कर देगा रे। 40-50 करोड़ का ओपनिंग मारे, 4 मिलियन 5 मिलियन का ओपनिंग तो साइन सील एंड डन है। अगर इंडिया में फिल्म ने ना ग्रिपिंग कर दिया ना भाई, कर दिया ना, सेंटर्स के इतने सारे रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ देगा ना,
मतलब सोच भी नहीं सकता कोई, सोच भी नहीं सकता। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।